तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और अगर गलत लिखता है तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है. सो यू हैव टू बी वेरी डेलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, हम गलती नहीं कर सकते. और टाइपेक्स यूज करते थे टाइप को निकालने के लिए, कभी उंगली फंस जाती थी उसकी कीज के बीच में, मगर बहुत मेहनत से बहुत डेलिजेंस से काम करना पड़ता था. तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, सो द ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डेलिजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगा कर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा. सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलिजेंस. तीसरी चीज, उन्होंने मुझे एक कैमरा दी थी, क्योंकि बहुत गरीब थे, वो कैमरा चलता नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ उसके व्यू फाइंडर से बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिख जाती थी लेकिन खिंचती बिल्कुल भी नहीं थी. और इससे मुझे उन्होंने सीख दी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी कभी कभी हमारी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन हम उसको अपनी नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते. बहुत कम लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूँ कि जो मेरी हॉबी थी, जिस चीज़ से मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया. अमूमन ऐसा होता नहीं है. लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज़, गाना है, अकेले में गाना है, हमारी क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे. जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं हैं लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें. क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे, हो सकता है दुख का समय भी आए, उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने. मैं बहुत खराब पोएट्री करता हूँ लेकिन जब भी दुखी होता हूँ तो लिख लेता हूँ. सराफ साहब से मैं अब सीखना भी चाहता हूँ, मैं रेखता पे जाऊँगा, मुझे लगता है ये कमाल की साइट है, थोड़ी मैं शायरी वगैरह सीखूंगा. मेरी शायरी बहुत ख़राब है कि हमने तुम्हारी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए और नहा कर चल दिए, इस लेवल की पोइट्री है. लेकिन जब दुख होता है ये भी बैठ कर जब लिखता हूँ तो बहुत दिल को शांति मिलती है. आखिरी चीज़ मेरे वालिद ने जो मुझे दी थी, वो दोनों मिक्स है, मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास वक्त नहीं है, आप लोगों को अपनी डिग्रीज लेनी है, सोच रहे होंगे इतना वक्त ज़ाया कर रहा है हमारा ये, तो मैं जल्दी से बताता हूँ. एक उन्होंने मुझे कहा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना जिंदगी में, हंसते हमेशा रहना, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जरूर रखना. जैसे एक छोटे बच्चे की जो एक इनोसेंस होती है, जो उसका दुनिया की तरफ जो नज़रिया होता है बड़ा इनोसेंट सा होता है, उसमें कोई खामी नहीं होती, गलती नहीं होती, अभी दुनियावी बातें नहीं आई होती, तो वैसे ही रखना. कई बार बचपन में मैंने जब बदतमीजी की या कोई गलत काम किया तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे बचाया. और ज़िंदगी भर अगर आप अपने ऊपर, अपने हाल पे, दुनिया पे, क्योंकि लोग आपसे हर कोई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, अगर आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो ज़िंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, व्हाट माय फादर गेव मी, व्हाट माय मदर गेव मी, एंड व्हाट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको दिया है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की जो ज़िंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी ज़िंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए. ज़िंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीज़ें हों, अच्छा हो, बुरा हो, कभी अंधेरा हो, कभी उजाला हो, हर चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए और ज़िंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ़.